स्टूडेंट्स, आज मैं आपको स्पेशल एक्सपीरियंस का पार्ट टू एक्सप्लेन करूंगा, जो शॉर्ट स्टोरी से है और क्लास 12 यूपी बोर्ड में पढ़ाई जाती है। इसके राइटर हैं मुंशी प्रेमचंद। डिड यू राइट होम, सी इंक्वायर्ड हेजिटेंटली। उन्होंने सकुचाते हुए पूछा, क्या तुमने घर पे लिखा था? यस, आई रिप्लाई। मैंने जवाब दिया, हां। एनी वन कमिंग टू फेच यू? क्या कोई तुम्हें लिवाने के लिए आ रहा है? नो, माई फादर डज नॉट वॉन्ट मी। नहीं, मेरे पिता मुझे पसंद नहीं करते, मुझे नहीं चाहते। माई फादर इन लॉ डज नॉट वॉन्ट मी। और मेरे जो फादर इन लॉ या ससुर हैं, वे भी मुझे नहीं चाहते। What do you plan to do? अब क्या करने की तुम्हारी योजना है? तुमने क्या योजना बनाई है, क्या करने की योजना बनाई है? Nothing past my days here, I suppose. मैं सोच पाती हूँ कि यहाँ पे अपने दिन बिताने के अलावा और कुछ नहीं। कम स्टे विथ अस, हमारे साथ आओ और हमारे साथ रहो। आई वुड नॉट लेट यू लीव एलोन हियर। मैं तुमको यहां अकेले नहीं छोड़ सकती। देयर आर टू पुलिस डिटेक्टिव्स ट्वेल्टरिंग अराउंड हियर। यहां पे पुलिस के दो जासूस पहरा दे रहे हैं, घूम रहे हैं। आई गेस्ट एज मच। मैंने भी ऐसा ही अनुमान लगाया था। ज्ञान बाबू ग्लेस्ड एट हिज वाइफ एज ही सीकिंग हर अप्रूवल। ज्ञान बाबू ने अपनी पत्नी की तरफ एक नजर डाली, जैसे कि वह अपनी पत्नी की सहमति चाह रहे हो। Shall I go to get it tanga? क्या मैं एक टांगा लेने के लिए जाऊं? She looked at him with such insouciance as if to say, you still here? इंसोसिएंस का अर्थ होता है उदासीनता। तो उन्होंने उनको, यानी ज्ञान बाबू को, कुछ ऐसी उदासीनता के साथ देखा, जैसे कि पूछ रही हो कि क्या आप अभी यहीं हैं। ही मूव्ड फियरफुल्ली टूवर्ड्स द डोर। वह डरते हुए दरवाजे की तरफ घूम गए। Wait, she said, how many tangas? अब उनकी पत्नी ने कहा, रुको, कितने टांगा लेने जा रहे हो? How many? He looked worried. अब ज्ञान बाबू ने थोड़ा सा चिंतित होते हुए कहा, how many? कितने? Do not you realize we sell need one for us, three passengers. Do not you realize, क्या तुम यह महसूस नहीं कर रहे हो, नहीं महसूस करते हो? We shall need one for us, three passengers. हम तीन यात्रियों के लिए
एक तांगे की जरूरत होगी। एंड वेयर डू यू थिंक द ट्रंक्स बेडरोल्स एंड पॉट्स एंड पैंस विल गो ऑन माई हेड? और तुम क्या सोचते हो कि जो ट्रंक्स हैं, संदूकें हैं, बेडरोल्स है, बर्तन और कढ़ाइयां हैं, वे कैसे जाएंगी? क्या मेरे सिर पे जाएंगी? आई शैल गेट टू, ही सेड अप्रिहेंसिवली। अप्रिहेंसिवली का अर्थ डरते हुए। तो उन्होंने यानी कि ज्ञान बाबू ने डरते हुए कहा कि मैं दो ले लूंगा। हाउ मच कैन यू लोड इन वन टांगा, व्हाट्स रॉन्ग विथ यू? आखिर तुम एक टांगा में इतना सब कैसे लाद पाओगे, कैसे रख पाओगे? आखिर तुम्हारी क्या समस्या है? आई शैल गेट थ्री फोर। अब ज्ञान बाबू ने कहा कि मैं तीन चार ले लूंगा। ऑल राइट बट गो, ठीक है लेकिन अब जाओ भी। स्मॉल थिंग लाइक दिस एंड इट टेकन हिम एन आवर टू थिंक इट आउट। इस तरह की छोटी चीजें भी सोचने के लिए उनको एक घंटा लगता है। बिफोर आई कुड से ए वर्ड, ज्ञान बाबू हैड लेफ्ट। इसके पहले कि मैं एक शब्द भी कह पाती कि ज्ञान बाबू चले गए। आई सेड टिमिडली, मैंने डरते हुए कहा, वुड नॉट यू बी इनकन्वीनियंस्ड इफ आई? क्या आपको असुविधा नहीं होगी यदि मैं? अभी और कुछ कहना चाह रही थी कि उसकी बात रुक गई। शी रिटॉर्टेड शार्पली। रिटॉर्टेड का अर्थ होता है तेज आवाज में बोली। रिटॉर्टेड शार्पली का अर्थ है वह तेज आवाज में बोली, मतलब ज्ञान बाबू की पत्नी ने एक तेज आवाज में कहा, यस आई विल, हाँ मुझे होगी, ऑफ कोर्स आई विल, हाँ निश्चित ही मुझे तो होगी ही। यू विल हैव टू फुल मील्स ए डे एंड यू विल ऑक्यूपाई ए कॉर्नर ऑफ माई रूम एंड रब टू अनाज वर्थ ऑफ माई ऑयल इन योर हेयर। हाँ मुझे समस्या तो होगी ही, आखिर तुम दो वक्त का खाना खाओगी और मेरे कमरे के कोने को कब्जा कर लोगी और दो आने का तेल अपने सिर पे लगा लोगी। यू डू नॉट थिंक दैट इज इनकन्वीनियंस? और क्या तुम ऐसा नहीं सोचती हो कि यह सब असुविधाजनक होगा? असेम्ड आई रिप्लाइड, प्लीज एक्सक्यूज मी, आई एम सॉरी। शर्माते हुए मैंने जवाब दिया, कृपया मुझे क्षमा करें, मुझे अफसोस है। Lovingly, she put her arms around my shoulder and said, उन्होंने प्यार से अपने बाहों को मेरे कंधों पर रखा और कहा, When your husband is released, invite me. I shall happily be your guest. जब तुम्हारे पति रिहा हो जाएंगे तब मुझे आमंत्रित करना और मैं प्रसन्नता से तुम्हारा मेहमान बन जाऊंगी। पे मी बैक दैट वे इफ यू विश, और इस तरह से मुझे मेरा चुकता कर देना अगर तुम चाहती हो तो। सेटिस्फाई, अब खुश हो? स्टार्ट पैकिंग, अब पैकिंग शुरू करो, सामान बांधो। वी शैल ब्रिंग ओवर द बेड्स एंड हैवी फर्नीचर टुमारो। बेड और जो भारी फर्नीचर हैं उन सबको हम कल ले जाएंगे। आई हैड नेवर कम अक्रॉस सच एन अफेक्शनेट जनरस स्वीट स्पीकिंग लेडी इन माई लाइफ। मैं अपने जीवन में कभी भी इतनी प्रभावशाली, आकर्षक, उदार, मीठा बोलने वाली भली औरत से नहीं मिली थी।
अफेक्शनेट का मतलब होता है आकर्षक, जनरस मतलब उदार, स्वीट स्पीकिंग मतलब है मीठा बोलने वाली। तो मैं अपने जीवन में कभी भी इतने आकर्षक, उदार और मीठा बोलने वाली भली औरत से नहीं मिली थी। इफ आई हैड बीन हर यंगर सिस्टर, शी कुड नॉट हैव ट्रीटेड मी बेटर। यदि मैं उनकी छोटी बहन होती तो भी वह मुझे इससे अच्छा व्यवहार नहीं दे सकती थी। मतलब वह बिल्कुल अपनी छोटी बहन वाला प्यार स्नेह मुझे दे रही थी। इट वॉज ऑलमोस्ट एज इफ सी हैड बैटल वरी एंड एंगर एंड ऑन ए कंप्लीट विक्ट्री। इट वॉज ऑलमोस्ट एज इफ सी हैड बैटल वरी एंड एंगर एंड ऑन ए कंप्लीट विक्ट्री। यह सब बिल्कुल ऐसा ही था कि जैसे वह एक युद्ध लड़ी हो चिंता के साथ और क्रोध के साथ, और इस पे पूरी तरह से विजय हासिल की हो। देयर वॉज ऑलवेज सूथिंग स्वीटनेस अबाउट हर। उनके द्वारा हमेशा ही मीठापन दिया जा रहा था, मिठास का एहसास कराया जा रहा था। शी वॉज चाइल्डलेस, वह उसको उनको कोई बच्चा नहीं था। बट दैट सीम्ड इन नो वे टू अफेक्ट हर। लेकिन इसके बावजूद भी उनके ऊपर इसका कोई असर नहीं था। शी हैड इंगेज्ड ए यंग बॉय टू हेल्प आउट विथ माइनर हाउसहोल्ड कॉर्स। हाउसहोल्ड कॉर्स का है घर के कार्य। तो उन्होंने एक छोटे लड़के को रख रखा था घरेलू कार्य करने के लिए। बट ऑल द रेस्ट द हार्ड वर्क शी डिड हर सेल्फ। लेकिन जो बाकी कठिन कार्य थे वो स्वयं ही किया करती थी। हाउ सी मैनेज्ड, आखिर वो कैसे कर पाती थी ये सब। आई हैड नो आइडिया, मुझे इसका कोई आइडिया नहीं था, कोई विचार इसका नहीं था कि आखिर वह यह सब कैसे कर पाती है। सी एट नेक्स्ट टू नथिंग, सी एट नेक्स्ट टू नथिंग बट केप्ट इन द पिंक ऑफ हेल्थ। वह न के बराबर ही खाती थी लेकिन उनका स्वास्थ्य अच्छा था। सी नेवर रेस्टेड, वह कभी आराम नहीं करती थी। नॉट इवन ए सिस्टा इन द हॉटेस्ट समर। और गर्मी के बिल्कुल, ग्रीष्म के बिल्कुल गर्म मौसम में भी वह बिल्कुल भी आराम नहीं करती थी। शी वुड नॉट लेट मी डू ए थिंग, और वह मुझे एक भी कार्य नहीं करने देती थी। ऑल शी डिड वॉज फीड मी एनी चांस शी कुड गेट। और कोई भी अवसर मिलने पर वह मुझे कुछ न कुछ खिलाती रहती थी। इनफैक्ट दैट वॉज माई रियल प्रॉब्लम, हाउ टू अवॉइड गेटिंग स्टक्ड। वास्तव में मेरा यही असली समस्या हो गया था। असली समस्या यही थी कि आखिर मैं इतने ज्यादा खाने से इनकार कैसे करूं, क्योंकि ज्ञान बाबू की पत्नी बस मुझे कुछ खिलाने का मौका खोजती रहती थी। हार्डली 8 days हैड पास्ट, मुश्किल से 8 दिन बीते थे। वन डे आई सडनली सॉ द टू सीआईडी मैन इन फ्रंट ऑफ द हाउस। एक दिन अचानक ही मैंने देखा कि 2 सीआईडी के लोग घर के दरवाजे के सामने थे। आई वॉज अपसेट, मैं बिल्कुल खिन्न हो गई। वुड नॉट द रेचेज एवर लीव मी एलोन। रेचच का अर्थ होता है दुष्ट। ये दुष्ट क्या मुझे कभी भी अकेला नहीं छोड़ेंगे?
दे फॉलो मी हियर टू, ये सब मेरे पीछे यहाँ भी चले आए। आई सेड टू हर, मैंने उनसे कहा, ज्ञान बाबू की पत्नी से कहा, देयर दे आर द टू रास्कल्स लॉयटरिंग अराउंड हियर टू। वहाँ पे दो बदमाश हैं, रास्कल्स का अर्थ है बदमाश, लॉयटरिंग अराउंड हियर टू, यहाँ भी भटक रहे हैं, घूम रहे हैं। लॉयटरिंग का अर्थ होता है भटकना। सी सेड कंटेम्पटियसली, अब ज्ञान बाबू की पत्नी ने घृणापूर्वक कहा, कंटेम्पटियसली का अर्थ होता है घृणापूर्वक, दे आर डॉग्स, वे सब कुत्ते हैं, लेट देम हैंग अराउंड, हु केयर, उन्हें घूमने दो, किसे परवाह। आई सेड वरीडली, मैंने चिंतित होते हुए कहा, आई होप दे आर नॉट अप टू मिसचीफ, मैं आशा करती हूँ कि ये कुछ शरारत, कुछ खुरापात करने के लिए ऊपर नहीं आएंगे। सी लुक्ड अनकंसर्न्ड, ऑल दे कैन डू इज डार्क, वह बिल्कुल इन चीज़ों से अनकंसर्न्ड रही, कोई इससे फिक्र नहीं की। कंसर्न मतलब होता संबंध रखना, तो उन्होंने देखा और बिल्कुल अनदेखा किया। ऑल दे कैन डू इज डार्क, वे सब कुछ भी करें या जो भी करेंगे वह अस्पष्ट नहीं है। सॉरी सॉरी सॉरी, ऑल दे कैन डू इज बार्क, उन्होंने बिल्कुल ही सी लुक्ड कंसर्न्ड का अर्थ है कि इस बात से बेफिक्र होते हुए, बिल्कुल बेफिक्र देखते हुए उन्होंने कहा कि ऑल दे कैन डू इज बार, वे सब बस भोंक ही सकते हैं। आई एडेड एंड बाइट, मैंने आगे जोड़ा कि काट भी सकते हैं। सी स्माइल्ड, दे कैन नॉट फ्राइटन अस अवे आउट ऑफ हियर, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, वे हमें डराकर यहां से भगा नहीं सकते। बट इट डिड नॉट हेल्प, लेकिन यह कोई सहायता नहीं है। आई वुड गो अगेन एंड अगेन टू द विंडो टू चेक ऑन देम, यह कोई सहायता नहीं है से अर्थ है कि उनकी बात से मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा, मतलब संतुष्ट न हो सकी, और मैं बार बार खिड़की के पास उनको देखने के लिए जाती थी। व्हाई वेर दे आफ्टर मी, आखिर वे मेरे पीछे क्यों पड़े हैं। इन व्हाट वे कुड आई डैमेज द स्टील फ्रेम ऑफ द ब्यूरोक्रेसी, आखिर मैं कैसे नौकरशाही का फौलादी ढांचा तोड़ सकती हूँ। स्टील फ्रेम का मतलब है फौलादी ढांचा, ब्यूरोक्रेसी का अर्थ है नौकरशाही, डैमेज का मतलब है तोड़ना या खराब करना, तो आखिर मैं कैसे इस नौकरशाही का फौलादी ढांचा तोड़ सकती हूँ। व्हाट पावर, आखिर शक्ति ही क्या है मेरी। व्हाट एबिलिटीज डिड आई हैव टू रेक हार्म, और मेरे पास ऐसी क्या योग्यता है कि मैं उनका कुछ नुकसान कर सकूं। डिड दे वॉन्ट टू हाउंड मी आउट ऑफ फियर, क्या वे चाहते हैं कि वे मुझे यहां से भगा दें। हाउ वुड दैट हेल्प देम, आखिर ऐसा करके उन्हें क्या फायदा होगा। हाउ वुड इट हेल्प देम टू सी मी रन अराउंड डिस्टिट्यूट एंड फॉरलॉर्न, डिस्टिट्यूट का अर्थ होता है बेसहारा, फॉरलॉर्न का अर्थ होता है अकेली, आखिर मुझे बेसहारा और अकेला भागते हुए देख के उन्हें क्या मिलेगा। सच मीनिस, क्या नीचता है। अनदर वीक पास्ट, दूसरा सप्ताह भी बीता। द टू रिफ्यूज टू लीव, वे दोनों
नहीं गए। एंड हियर आई वॉज माई हार्ट इन माई माउथ, और मेरी हालत ऐसी थी कि जैसे कलेजा मुंह में आ गया हो, इतनी डरी हुई थी। नॉट नोइंग व्हाट वुड हैपन, क्या होगा नहीं पता था। आई न्यू इट वॉज नॉट राइट फॉर मी टू टेक एडवांटेज ऑफ हर हॉस्पिटैलिटी, बट आई डिड नॉट हैव द करेज टू टेल हर सो। हॉस्पिटैलिटी का अर्थ होता है अतिथि सत्कार, आतिथ्य सत्कार। आई न्यू इट वॉज नॉट राइट ऑफ मी, मैं जानती थी कि यह मेरा अधिकार नहीं है कि मैं उनके या उनकी आतिथ्य सत्कार का लाभ लूं। आतिथ्य सत्कार का लाभ लूं से अर्थ है कि उनका कुछ नुकसान हो मेरे कारण, यह मेरा अधिकार नहीं था। बट आई डिड नॉट हैव द करेज टू टेल हर सो, लेकिन मुझे उनसे यह कह पाने का साहस नहीं था। वन इवनिंग ज्ञान बाबू टर्न अप विजुअली पर्टर्ब। पर्टर्ब का अर्थ होता है डिस्टर्ब, घबराया हुआ। विजुअली पर्टर्ब का अर्थ है देखने में ही घबराया हुआ। एक शाम ज्ञान बाबू ऊपर आए जो देखने में ही घबराए हुए थे। आई वॉज इन द वरांडा पिलिंग परवल, मैं बरामदे में थी और परवल छिल रही थी। पिलिंग का अर्थ होता है छिलना। स्टूडेंट्स, क्या आप परवल को छिलकर सब्जी बनाते हैं या आपके घर में बनती है, या परवल को काटकर बनाया जाता है, कमेंट बॉक्स में बताएं। ही वॉक्ड इन एंड बेकन टू हिज वाइफ, बेकन का अर्थ होता है इशारे से बुलाना। वह अंदर आए और इशारे से अपनी पत्नी को बुलाए। बट ज्ञान बाबू वाज ए बंडल ऑफ विदाउट गेटिंग अप सी सेड व्हाई डू नॉट यू फर्स्ट चेंज हैव ए वॉश, ईट समथिंग बिफोर यू ओपन योर माउथ। बिना कुछ कहे ही उनकी पत्नी ने कहा, बिना कुछ सॉरी विदाउट गेटिंग अप सी सेड, बिना उठे ही उनकी पत्नी ने ज्ञान बाबू से कहा, आप कपड़े क्यों नहीं बदल लेते, हाथ मुंह क्यों नहीं धो लेते और कुछ खा क्यों नहीं लेते, इसके पहले कि आप अपना मुंह खोलें कुछ बोलें, इसके पहले यह सब क्यों नहीं कर लेते। बट ज्ञान बाबू आज ए बंडल ऑफ नर्व्स। बंडल ऑफ नर्व्स का अर्थ है अत्यधिक घबराना, अत्यधिक घबराहट। लेकिन ज्ञान बाबू अत्यधिक घबराए हुए थे। ही हैड टू हैव इट ऑल आउट, उन्हें सब कुछ कह देना था। ही इंसिस्टेड, उन्होंने आग्रह किया, व्हाट इज द मैटर विथ यू, आखिर तुम्हारे साथ क्या चक्कर है, क्या मामला है, कांट यू इवन गेट अप, क्या तुम खड़ी नहीं हो सकती। आई टेल यू, मैं कहता हूं माई लाइफ इज इन डेंजर, मेरी जो मेरा जो जीवन है वह खतरे में है। She kept sitting, वह बैठी नहीं। Why do not you come out with it, I am here. Why do not you come out with it, आखिर तुम इसके साथ ही क्यों नहीं, इसके सामने ही क्यों नहीं कह देते, मैं यही हूं। No come here, नहीं तुम आओ। ज्ञान बाबू ने कहा, नहीं तुम आओ।
What is the matter? There is no one else here. क्या चक्कर है, क्या मामला है, यहाँ पे कोई नहीं है. I tried to slip out. अब मैंने सोचा, मैं सोची कि बाहर चली जाऊं, इसलिए मैंने प्रयास किया कि धीरे से बाहर चली जाऊं. यह कथावाचिका के शब्द हैं. She caught hold of my hand and would not let go. उन्होंने, यानी कि ज्ञान बाबू की पत्नी ने मेरे हाथों को पकड़ लिया और जाने नहीं दिया. ज्ञान बाबू did not want to speak in my presence, but he did not have to patience either to check himself. ज्ञान बाबू मेरी उपस्थिति में बताना नहीं चाहते थे, लेकिन अपने को रोक सके इतना भी उनके में धैर्य नहीं था. चेक का मतलब होता है रोकना, पेशेंस का अर्थ है धैर्य. ही सेड आई हैड ए क्वारल विथ द प्रिंसिपल टूडे. उन्होंने कहा कि प्रधानाचार्य से आज मेरा झगड़ा हुआ. इन ए टोन ऑफ मॉक सीरियसनेस सी सेड, एक चिढ़ाने वाले स्वर में उनकी पत्नी ने कहा, चिढ़ाने वाले गंभीर स्वर में, मॉक सीरियसनेस लिखा है, चिढ़ाने वाले गंभीर स्वर में उनकी पत्नी ने कहा, यू डिड, आपने किया, एंड यू बीट सेंस इन टू हिम ऑफ कोर्स डिड नॉट यू, और आपने जरूर उनको उनको समझा दिया होगा, उनकी अकल ठिकाने लगा दी होगी. बीट सेंस इंटू हिम का अर्थ है उनकी अकल ठिकाने लगा दी होगी. डिड नॉट यू, क्या आपने नहीं किया ऐसा. ओह डू बी सीरियस, थोड़ा गंभीर बनो. हियर आई एम लूजिंग माई जॉब एंड, यहां मैं अपनी नौकरी खोने पे हूं और तुम हो कि इफ यू फियर्ड फॉर योर जॉब व्हाट मेड यू गो एंड फाइट विथ हिम. यदि तुम्हें अपनी नौकरी जाने का इतना डर था तो फिर तुम क्यों गए, क्यों झगड़ा किए, क्यों लड़ाई किए. आई डिड नॉट फाइट विथ हिम, मैंने उनके साथ लड़ाई नहीं की. आई जस्ट क्वायर, बस झगड़ा हुआ था. ही बिगैन इट, वह कहते रहे. ही समंड मी टू हिज ऑफिस एंड स्टार्टेड गिविंग मी ए पीस ऑफ हिज माइंड. उन्होंने मुझे अपने कार्यालय में तलब किया. संबंध का अर्थ होता है तलब करना, बुलाना, और शुरू हो गए अपने दिमाग की खुजली मिटाने लगे. जस्ट लाइक दैट, ठीक ऐसे ही. व्हाट कैन आई से, मैं क्या कर सकता था, मैं क्या करता. टेल मी व्हाट हैपेंड, अब उनकी पत्नी ने कहा कि मुझे बताओ क्या कुछ हुआ, पूरी बात बताओ, विस्तार से बताओ. आई लुक ऑन दिस गर्ल हियर एज माई सिस्टर, ये जो लड़की है यहाँ पे उसे मैं अपनी बहन मानती हूँ. आई डू नॉट हाइड एनी थिंग फ्रॉम हर, और मैं उससे कुछ भी नहीं छिपाती. And supposing what I have to say concern her, and supposing what I have to say concern her, और यह सोचते हुए, समझते हुए कि मैं उनसे क्या कहना चाहती हूं. She read his mind and said, उन्होंने यानी ज्ञान बाबू की पत्नी ने उसके दिमाग को पढ़ा और कहा, ओ आई सी इट इज दोज सीआईडी में. अच्छा मैं समझी कि यह वो जो दो सीआईडी वाले हैं, दे हैव गॉन एंड स्पोकन टू योर प्रिंसिपल हैव दे, वही दोनों गए होंगे तुम्हारे प्रिंसिपल के यहाँ और सब कुछ बता दिए होंगे. फॉर द लाइफ ऑफ हिम ज्ञान बाबू कुड नॉट मेक आउट how she had succeeded in reading his mind
सो इजली। पूरे जीवन में ज्ञान बाबू यह समझने में सफल नहीं हो पाए थे कि आखिर उनकी पत्नी उनके दिमाग को कैसे पढ़ लेती है। ही सेड द पुलिस डिड नॉट स्पीक टू प्रिंसिपल। उन्होंने कहा कि जो पुलिस वाले थे उन लोगों ने प्रिंसिपल से या प्रधानाचार्य से कुछ नहीं कहा। दे वेंट स्ट्रेट टू द कमिश्नर। वे सीधे सीधे कमिश्नर के यहां गए। ही ऑर्डर्ड द प्रिंसिपल टू क्वेश्चन मी। और कमिश्नर ने आदेश दिया कि मुझसे प्रश्न पूछे जाए, बातचीत की जाए। हिज वाइफ रिप्लाइड नोइंगली। उनकी पत्नी ने समझते हुए जवाब दिया, आई सी, मैं समझती हूं। एंड द प्रिंसिपल टोल्ड यू टू टर्न हर आउट ऑफ योर हाउस। और प्रिंसिपल ने तुमसे कहा होगा कि अपने घर से उसको निकाल दो। समथिंग लाइक दैट, कुछ ऐसा ही, ज्ञान बाबू ने कहा। एंड व्हाट डिड यू हैव टू से टू हिम। और फिर आपने प्रधानाचार्य से क्या कहा। नथिंग डेफिनेट, निश्चित रूप से कुछ भी नहीं कहा। व्हाट कुड आई से, और मैं कह भी क्या सकता था। इट वॉज ऑल सो सडन, यह सब कुछ इतना अचानक हुआ। हिज वाइफ लेट हिम हैव इट स्ट्रेट, देयर ओनली वन आंसर इज नॉट देयर, व्हाट देयर टू थिंक अबाउट। उनकी पत्नी ने कहा कि सीधे जाओ, अभी जाओ, देयर इज ओनली वन आंसर, केवल एक ही जवाब है, इज नॉट देयर। क्या एक से अधिक जवाब है। व्हाट इज देयर टू थिंक अबाउट, यहां पे सोचने वाली क्या बात है, जाओ बोल दो कि हम नहीं निकालेंगे उसको अपने घर से। ज्ञान बाबू आज स्टूफाइड। स्टूफाइड का अर्थ होता है जड़वत। ज्ञान बाबू एकदम जड़वत हो गए। बट आई हैड टू हैव सम टाइम टू डिसाइड, डू नॉट यू थिंक। पर मुझे सोचने समझने के लिए कुछ समय चाहिए, क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि कुछ समय की जरूरत है, कुछ सोचना समझना चाहिए। सी फ्रॉन्ट। उनकी पत्नी ने त्योरियां चढ़ा ली। फ्रॉन्ट का अर्थ है त्योरियां चढ़ाना, भावें चढ़ाना। दिस वॉज द फर्स्ट टाइम आई सॉ हर इन सच ए मूड। पहली बार था जब मैंने उनको कुछ ऐसी भाव मुद्रा में देखा। सी सेड, उन्होंने कहा, यू गो दिस वेरी इंस्टेंट टू योर प्रिंसिपल एंड से टू हिज फेस। तुम अभी जाओ, तुरंत जाओ प्रधानाचार्य के पास और उनके चेहरे पे, उनके सामने बता दो कि हम उसे अपने घर से नहीं निकालेंगे। देर इज नो वे आई एम गोइंग टू लेट दैट गर्ल फ्रॉम माई हाउस। और हम उस लड़की को अपने घर से नहीं निकाल सकते किसी भी सूरत में। एंड इफ यू डू नॉट लाइक द आइडिया यू कैन हैव माई रजिस्ट्रेशन रेजिग्नेशन। और यदि तुम्हें मेरे विचार, मेरा निर्णय पसंद नहीं है तो तुम मेरा इस्तीफा ले लो। यू गो नाउ, यू गो राइट नाउ, बस अभी जाओ। यू कैन वॉश अप आफ्टर योर रिटर्न, आने के बाद तुम अपना चेहरा धो सकते हो, अभी चेहरा धोने की भी जरूरत नहीं। स्टूडेंट्स, कुछ खांसी आ रही है इसलिए थोड़ा सा खांसना पड़ जा रहा है। ऑन द वर्ज ऑफ टीयर्स आई सेड, आंसुओं के स्वर में, वर्ज का अर्थ होता है स्वर, आंसुओं के स्वर में यानी कि आंसुओं के साथ रोते हुए, आई सेड, मैंने कहा, सिस्टर आई डू नॉट वॉन्ट टू बी, दीदी मैं यहां नहीं रहना चाहती। सी कट मी शॉर्ट, शट अप, उन्होंने मेरी बात को काटा, कहा चुप रहो। यू वॉन्ट योर ईयर्स ट्विस्टेड, क्या तुम चाहती हो कि तुम्हारे कान को मरोड़ दिया जाए। हु आर यू टू इंटरफियर बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ, तुम कौन होती हो पति पत्नी के बीच दखल देने वाली। वी स्विम टूगेदर आर सिंक टूगेदर, हम साथ साथ तैरें या साथ साथ डूबें। आई असेंड ऑफ दिस ब्रेव हस्बैंड ऑफ माइन, ऐसे बहादुर पति से तो मैं बहुत ही शर्म महसूस कर रही हूं। हाफ इज लाइफ
is over and still he does not know how to behave. उसकी आधी जिंदगी बीत गई है लेकिन अभी तक वह नहीं जान पाए हैं कि आखिर बात व्यवहार कैसे करते हैं. Then turning to her husband, फिर अपनी पति की तरफ घूमते हुए she said, उन्होंने कहा, What are you standing here for? आखिर तुम यहाँ किस लिए खड़े हो? If you are so afraid, यदि तुम इतने ही डरे हुए हो, shall I go and tell him? क्या मैं उनके यहाँ चली जाऊँ और सब कुछ बता दूँ? ज्ञान बाबू सफल एंड सेड. ज्ञान बाबू थोड़ा सरके और कहे, सफल का और सत्ता सरकना, तो जहाँ खड़े थे वहां थोड़ा सरके और कहे, आई विल डू इट टुमारो, कल मैं यह कर दूंगा, बोल दूंगा कि नहीं हटाना है. आई डू नॉट नो वेयर टू फाइंड हिम नाउ, मैं नहीं जानता कि उसको यानी प्रिंसिपल को अभी कहाँ पाया जा सकता है क्योंकि वो भी कहीं निकल लिया होगा. Lost, restless द होल नाइट, पूरी रात मैं करवटें बदलती रही. हियर वॉज आई स्पर्न्ड बाई फादर एंड फादर इन लॉ वेंडरिंग होमलेस एंड एलोन, मैं यहां पड़ी हुई थी अपने पिता और ससुर के द्वारा दुत्कारी जाने के बाद बेघर अकेली. स्पर्न्ड का अर्थ होता है दुत्कारी हुई. एंड टू रिसीव सच अफेक्शन सच रिस्पेक्ट, और इस तरह का प्रेम इस तरह का सम्मान पा रही हूं. आई सेड टू माई सेल्फ, मैंने अपने आप से कहा, इफ देयर एवर वॉज ए गॉडेस सी इज वन, यदि कोई देवी है तो वह यही है. व्हेन नेक्स्ट डे ज्ञान बाबू लेफ्ट फॉर वर्क सी सेड टू मी सेड टू हिम, अगले दिन जब ज्ञान बाबू अपने वो काम पे चले गए तो उन्होंने मुझसे कहा, डू नॉट कम बैक विदाउट सेटलिंग द मैटर. जब ज्ञान बाबू घर से जाने लगे काम पर तब उन्होंने कहा, सब कुछ सेटल करने मामला को पूरा सेटल करने के बिना सेटल किए बिना मत आना. डू नॉट कम एंड टेल मी अगेन दैट यू हैव टू थिंक टू ओवर, मत आना यह कहते हुए कि अभी मुझे सोचने के लिए और समय चाहिए. व्हाट ही वाज गॉन आई सेड टू हर, व्हेन ही वाज गॉन आई सेड टू हर, जब ज्ञान बाबू चले गए तब मैंने उनकी पत्नी से कहा, You are doing a great injustice to me, sister. दीदी आप मेरे साथ एक बड़ा अन्याय कर रही हैं. I do not want to be any kind of burden on you. मैं आप पर किसी भी प्रकार का burden या बोझ नहीं बनना चाहती. She smiled and said, had your say. वे मुस्कुराई और बोली, क्या तुम बोल चुकी? Yes, but I have plenty more to say. हाँ, लेकिन अभी मुझे बहुत कुछ कहना है. Very well, बहुत अच्छा. But before you do that, answer me this. लेकिन इसके पहले कि तुम कुछ बोलो, मुझे कुछ प्रश्नों के जवाब दो, मुझे कुछ बताओ. Why was your husband jailed? आखिर तुम्हारे पति जेल क्यों गए? Was not it because he helped the freedom fighter? क्या यह कारण नहीं है कि उन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों की सहायता की थी? And who are these freedom fighters? और ये स्वतंत्रता सेनानी कौन है? These are the heroes of our country. ये हमारे देश के वीर नायक हैं. The soldiers who fight our battle for us. ये वे सैनिक हैं जो हमारे लिए युद्ध लड़ते हैं.
and do not these freedom fighters have children of their own? क्या इन स्वतंत्रता सेनानियों के अपने बच्चे नहीं हैं? And do not they have parents too? और क्या उनके माता पिता नहीं हैं? And did not they have work? और क्या उनके पास कोई काम धाम नहीं है? Which they left behind in order to fight for the country? जो उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया देश के लिए लड़ने के लिए. And have not they give up everything for noble cause? क्या उन लोगों ने उन स्वतंत्रता सेनानियों ने इस अच्छे कार्य के लिए सब कुछ छोड़ नहीं दिया? The wife of a man who helped such freedom fighters. और ऐसे एक स्वतंत्रता सेनानी एक ऐसे व्यक्ति की पत्नी जो स्वतंत्रता सेनानियों की सहायता करता है, who goes to jail for their sake, is very special person. जो जेल चला जाता है, कारागार चला जाता है अपने विशेष कार्य के कारण. सी इज ए वुमेन हु दर्शन प्योरीफाई द हार्ट. और तुम वह औरत हो जिसके दर्शन से हृदय शुद्ध हो जाता है, मन शुद्ध हो जाता है. आई वॉज साइलेंट, मैं शांत थी. आई बाथ्ड इन कंपैशनेट सी ऑफ हर ग्रेटिट्यूड. कंपैशनेट का अर्थ होता है कृपा का सागर, ग्रेटिट्यूड का अर्थ है कृतज्ञता. मैं उनकी कृतज्ञता के सागर में नहा गई, भाव विभोर हो गई. उनका जो कृपा सागर था, उनकी जो कृतज्ञता थी, उसमें मैं भीग गई. ज्ञान बाबू रिटर्न दैट इवनिंग विथ ए लुक ऑफ ट्रायम्फ ऑन हिज फेस. ज्ञान बाबू शाम को घर लौटे और चेहरे पर एक विजयी भाव था. ट्रायम्फ का अर्थ होता है विक्ट्री, विजय. तो चेहरे पर विजयी भाव लिए हुए लौटे. हिज वाइफ आस्क्ड व्हाट हैपेंड. उनकी पत्नी ने पूछा क्या हुआ. ज्ञान बाबू रिप्लाइड प्राउडली. ज्ञान बाबू ने गर्व से जवाब दिया. आई हैंडेड इन माई रेजिग्नेशन एंड दैट मेड हिम कम टू हिज सेंस. मैंने उनको अपना इस्तीफा दिया और मेरे इस्तीफे ने उनको होश मिला दिया. He went straight to the police commissioner. वो सीधे पुलिस कमिश्नर के पास गए. And the two sat inside a car and they went on and discussing. और दोनों एक कार में बैठ गए और विचार विमर्श करते हुए गए. I do not know what. मैं नहीं जानता क्या. And then they came up to me and asked. उसके बाद वे दोनों मेरे पास आए और बोले, Do you go to political meeting? क्या तुम राजनीतिक मीटिंग में जाते हो? And I replied, No sir, not me. और मैंने जवाब दिया, नहीं सर, नहीं श्रीमान. Are you a member of Congress party? क्या तुम कांग्रेस पार्टी के सदस्य हो? And I replied, Member, sir, no. I am not even a friend of a member. मैंने जवाब दिया, सदस्य. श्रीमान जी, मैं तो किसी सदस्य का मित्र भी नहीं हूं. You contribute to the party fund. क्या तुम पार्टी फंड में कुछ योगदान देते हो, दान वगैरह करते हो? And I replied, not a measly pie. मैंने जवाब दिया, एक पाई भी नहीं. मिजली का अर्थ होता है अर्थहीन, पाई मतलब पाई. तो एक अर्थहीन पाई भी नहीं देता हूं, नेवर, कभी नहीं. एंड विच पॉइंट हिज वाइफ एम्ब्रेस्ड मी वार्मली. और इस बिंदु पर आकर उनकी पत्नी ने मुझे बड़े गर्मजोशी के साथ बाहों में भर लिया.